हेलो। तो आज का ब्लॉग आपके लिए कुछ सरप्राइज है। तो सरप्राइज ये है कि हम लोग को भी नहीं मालूम हम कहाँ जा रहे हैं। आज कहीं नई जगह जाएंगे या फिर कहीं पुरानी जगह जाएंगे। तो जहाँ भी जाएंगे आपको सब बताएंगे वहाँ की डिटेल्स और वहाँ की चीज़ें। जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे ये चल रहा है कि बारिश बहुत हो रही है। तो आइडिया नहीं है कभी भी बारिश हो सकती है। अगर बारिश हो गई तो फिर ब्लॉग तो जैसा भी होगा वैसा ब्लॉग बनेगा। उबर आ रही है हमारी और हमने डिसाइड किया कि हम पलकतर जाएंगे। ऐसे तो मालूम नहीं वहाँ पे क्या है क्या नहीं है, पर बहुत लोग से सुना है कि बहुत अच्छी जगह है। मतलब आ गए पलकतर। एक्चुअली ये पूरा पॉश एरिया है, ज़्यादा कुछ है नहीं, ऐसा आइडिया नहीं है, पर देख स्ट्रीट में वॉक करेंगे कुछ चीज़ें दिखेगी तो हम दिखाते हैं आप लोग को भी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है हर चीज़ और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया है। ये पूरा थीम बहुत अच्छा दिख रहा है। एवरीथिंग ये लोग ने पूरा एकदम कलरफुल दिखाया है। तो हम स्ट्रीट में घूम रहे हैं और हमें कुछ मिल नहीं रहा है, पूरा खाली खाली। हमने गूगल किया, कुछ प्लेसेस देखे ना। कितना टाइम दिखा रहे हैं? एक मिनट दिखा रहा है। तो अभी देखते हैं एक मिनट के रास्ते पे है कितना दूर है। बहुत ज़्यादा ही क्लीन है हर चीज़। अच्छा, और बहुत अच्छा लग रहा है देख के। क्लाइमेट भी बहुत मस्त है। ये पूरा जितना भी प्लेस ये पूरा बना है, ये पूरा कॉफ़ी शॉप है और बहुत सारे मतलब रेस्टोरेंट है, पर ऑलमोस्ट कॉफी शॉप के है यहाँ पे सब। तो अभी हम जा रहे हैं बाइक के शोरूम में। बहुत सारी बाइक है यहाँ पे। जो पलकतर है यहाँ पे सब ब्रांड्स की चीज़ें हैं। ऑलमोस्ट सब ब्रांड के आपको मिलेंगे, जो हाई लेवल पे ब्रांड्स हैं ना, जो कार्स है, जो स्पोर्ट्स बाइक है एंड एक्सेट्रा, जो भी शूज़ के कपड़े के सब लेके यहाँ पे वो हर चीज़ के शॉप मिलेगा आपको पलकतर में। और ये बहुत अच्छी बात है, ये लोग ने भी बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है कार को, ब्रांड को। तो यहाँ पे एक्चुअली 5-स्टार होटल्स है ऑलमोस्ट और घर भी है। कहाँ पे? हाँ चल, यहाँ से बाहर निकल कर रास्ता, जल्दी चल, गाड़ी आ रही। तो अभी हम जा रहे किधर और वॉक करके, आई थिंक ये वही जगह है जो अपन ढूंढ रहे थे, मेरे को लग रहा है। हाँ तो चलना उधर, भगा देंगे तो रिटर्न आएंगे ना, पर जाके तो देखते हैं। तो यहाँ पे जो था वो बोर्ड लगा था कि रेसिडेंसी वाले लोग के लिए है, यहाँ पे सिक्योरिटी रहेंगे, अगर भगा दिए तो हम रिटर्न आ जाएंगे। जाके ट्राई तो करते, एटलीस्ट जाने मिला तो अच्छी बात है, नहीं जाने मिला तो किधर और चले जाएंगे। चले पागल, क्या कर रही है? तो कुछ ऐसा बीच है यहाँ पे जो कितना प्यारा लग रहा है कि वो डबल दिख रहा है। तो ये पूरा पलकतर के अंदर आता है ये सब। को लग रहा है ये कि होटल है या विला है या फिर ये एक अकोमोडेशन है, क्योंकि अंदर से बहुत लग्जरीज बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। अरे कहना क्या चाहते हो? ये बोल रही थी कि ये लोग जो काम करते वो इधर रहते और मुझे नहीं लगता कि इतना अफोर्ड कर पाएंगे जो काम करते यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि अंदर से बहुत मस्त है ये। और आगे सिक्योरिटी दिख रहा है मुझे, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अपने को भगाने वाला है। क्यों ऐसा देख, मेरे को ऐसा लग रहा है वो भगाने वाला है वहाँ से बोलेगा, पर वहाँ से जगह भी नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा है अपन खाली पुकट जा रहे हैं वहाँ पे, है ना। उसके भगाने से पहले यू टर्न ले लो। तो हम अभी रिटर्न आ गए और हम आत्मा जैसा भटक रहे हैं। अबे साले तभी यहाँ पे, क्योंकि भटकने के लिए ही और देखने के लिए, क्योंकि उतना अफोर्ड नहीं कर सकते जितने इधर हाई प्राइसेस का हर चीज़ है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग से है यहाँ पे और कुछ दिख नहीं रहा है,
और कार से पूरा मतलब लग्जरीज जो रहता है जो लाइफ जीते वो लोग के लिए यहाँ पे। तो अभी हमें एक मॉल दिखा है, हम सोच रहे हो मॉल में जाके देखते हैं कितना महंगा है कितना सस्ता है यहाँ पे, जहाँ हम लोग नॉर्मल लेते हैं वहाँ के हिसाब से क्या प्राइस है। ये जितने भी बीच बीच में से आपको दिख रहे होंगे कि ये जो अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकल बॉल टाइप है, एक्चुअली ये पूरा लाइट है और ये रात में बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखेगा, पर रात तक हम रहेंगे तो अच्छी बात है, अगर रहेंगे तो हम शो करेंगे नहीं तो फिर किसी और दिन। तो मैं वीडियो का शॉट लेने के लिए रोड क्रॉस करने का सोच रहा हूँ और बार बार गाड़ियाँ आए जा रही है, तो मैं अभी शॉट लूँगा। तो शॉट कैसा है मेरे को बताना, कमेंट करके बताना कि कैसा लगा वो शॉट। नहीं शॉर्ट था। चल तो हम आ गए मॉल में, लुलू हाइपर मार्केट समथिंग है और यहाँ पे लुलू फैशन है, तो हम जा रहे हैं अभी लुलू फैशन करके फैशन स्टोर। यहाँ पे आईफोन है, यहाँ पे आईफोन का रेट क्या है, एक प्रो मैक्स ये है 4700 ठीक है, पर 128 GB है ना और 250 GB तक, फिर भी ये भी ठीक है ना, मतलब जहाँ हम लोग लास्ट टाइम लिया उससे सस्ता फ़ोन है यहाँ पे। ये सब अलग अलग ब्रांड के जो भी रहते हैं ना, तो मैं यहाँ से बाहर आ गया और यहाँ पे कुछ था नहीं उतना खास, बहुत बकवास चीज़ें लगी मुझे फैशन के नाम पे, कुछ भी सेंस नहीं था, क्वालिटी भी कुछ नहीं था और महंगा तो उतना नहीं है पर ठीक है, क्वालिटी के हिसाब से ठीक है वहाँ पे। पर अगर मैं प्रिफेयर करूँ तो आपको अगर कपड़े चाहिए अच्छे तो आप थोड़ा लो पर अच्छा लो, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, अच्छे नहीं मिले ज़्यादा से लो, सेल आते सेल में लो या फिर कोई अच्छी चीज़ें ले लो बिना सेल के भी मिलती है, थोड़ा पैसा जमा करके अच्छा लगेगा, दिखने में भी अच्छा है पहनने में अच्छा और बहुत लॉन्ग टर्म तक चलता है वो कपड़े। तो आ गया मैं अभी बाहर और थोड़ा अंधेरा होने वाला है और ये लोग ने लाइट चालू कर दिया है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, हर जगह लाइट है, यहाँ के ट्रीज पे भी लाइट है देख सकते हो आप लोग। तो लाइट्स हो गई है ऑन और ये पहले से और भी ब्यूटीफुल लग रहा है लाइट्स में। तो ये है पेट पार्क, नहीं इंसानों के लिए तो कुछ है नहीं पर पेट के लिए पार्क है, पहले मुझे लगा बच्चे लोग का है। तो ये भी अच्छा है, ये लोग छोटा सा पार्क है। यहाँ की खासियत यही है कि यहाँ पे हर चीज़ एकदम अमेजिंग बनाया है, पर आगे एक पार्क दिख रहा है हम लोग को, अगर हम लोग के लिए रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ पार्क बाहर से। तो ये येलो का घर है, तो यहाँ पे नो एंट्री है क्योंकि ये रेसिडेंसी लोग के लिए है, पर ये बहुत मस्त है, अंदर जा नहीं सकते पर आपको बाहर से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अंधेरा होने वाला है तब कर जाएंगे, हमारे इंडियन के हिसाब से बोल सकते हैं इसको गटर। अच्छा और बहुत सारी फिशेस भी है इसमें और ये पूरा आगे नदी है और अब हम जा रहे हैं, तो गाड़ी आ चुकी है हमारी। हेलो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए।